आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के चंद्रभानपुर से आया है, जो कि लालगंज मार्केट के पास में पड़ता है। यहाँ पर घर के अंदर कोई सांप देखा गया, ऐसे में यहाँ के लोगों ने हमें इसके बारे में सूचना दिया और बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कहाँ पर सांप है, उसको सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू भी करेंगे, साथ में उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज भी करेंगे। जब तक कि हम लोग सांप को रेस्क्यू करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं। अच्छा, इस साइड है। हाँ, घर के अंदर है क्या? जो आप हमें वीडियो भेजे थे यहाँ से, ऐसे था 4 बजे भोर से ही देख रहे, तब से आप देखे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गया। कल भी इसमें थे, हाँ, पैक कर दिए जी। उसके बाद पूरे दिन रात थे, सुबह में फिर यहाँ से माटी गिली थी, उसको निकाल के निकलना चाहे तो घर के खोल कर उसको बंद किए। अच्छा अच्छा, जब कहीं नहीं जा पाए तो फिर वापस उसी में चले गए, फिर इसी में गए। नहीं, हम लोग से है। अच्छा, कितने इंच की दीवार है? 9 इंच की दीवार है। हमें लगता है तोड़ना पड़ेगा तभी है। नहीं, इसके ऊपर ये माटी आप देख रहे थे इसमें? कल भी वही थे, ऊपर से निकले थे, आज इधर से निकले थे। अच्छा, उस रूम का कैसा है दरवाजा, मतलब कितना मोटा था? इतना मोटा नहीं, इतना मोटा सांप नहीं होगा, कोबरा बहुत होगा, इतना मोटा होगा। अब इतना मोटा बता रही है। चलिए, अच्छा चलिए देखते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद काम करते हैं। सीढ़ी लेके आइए। तो नहीं, मटिया फोफर है। नहीं नहीं नहीं, इधर से ना खुदाई। चलिए लेके आइए, तो सीढ़ी लेके आइए, पहले चौकी में छोटा पड़ जाऊंगा। सीढ़ी लाए, देखिए अगर चौकी होता तो वही लेके आइए। लाइन ये भी लगा लेके आइए, इसको ही चौकी लेके आइएगा, देखते हैं। जैसे अब हमें तो लगता नहीं कि चौकी से होगा, इसमें से घुसा है ना। हाँ, से वहाँ पे पूरा गैप, और इस साइड गैप, तो इस साइड भी ज्यादा, इधर ही ज्यादा गैप, इधर ही। हाँ, ये वहाँ तक भी गैप हो सकता है। है दोस्तों, देख लीजिए। हाँ, है कोबरा है। थोड़ा कपड़ा लाइए तो। कई बार कपड़ा था कौनो? अरे उसको रहने दीजिए, आपने ले गए। देखिए दोस्तों, सांप का एक ऐसा डर कि बेचारे आप गमछा उतार के दे दे रहे हैं। देखिए बाहर मुंडी, तो देखिए मुंडी निकाल रहा है। रम्मा है क्या लेके आई? ठीक है, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं। आप घबराइए मत। मैं सोच थोड़ा सा और आगे आए, इसका कैप्चर करें। नहीं भाई, करेत नहीं है, इसको बोलते हैं नाग हिंदी में, इंग्लिश में स्पेक्टल कोबरा। अरे अरे अरे, पूछ पकड़ के अरे। हाँ, बस पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो सांप है इसे सुरक्षित ढंग से दीवार से बाहर निकाला जा चुका है, और ये
अब जाकर के थोड़ा थोड़ा गुस्से में आया। इसके पहले तो ये काफी शांत था, इसे बिल्कुल भी पता नहीं कि हम लोग इसे बचाना चाहते हैं या फिर इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग इसको पहचान रहे हैं कि नहीं? कोबरा है। तो आप लोग अगर कभी बाइट करता है तो क्या करते हैं आप लोग? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाते हैं ना। कोई तंत्र मंत्र कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? कोई भी सांप काटता है आपको सीधा तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि झाड़ फूक से कौन बचता है जिसको बिना जहर वाला सांप काटा रहेगा? जहरीला सांप काटेगा ना तो वही झाड़ फूक वाले कहेंगे, अरे भैया आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, कहेंगे ना। तो आप लोगों के पास तो नज़दीक हॉस्पिटल भी है, तो तुरंत जाया करिए हॉस्पिटल ही। कहाँ पे हाँ, हमें भी काटता है तो मैं भी जाता हूँ हॉस्पिटल ही। जाना चाहिए हॉस्पिटल, जाना चाहिए ना, हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं ना। शंकर जी का शिवलिंग देख सकते हैं। अच्छा, शंकर जी का शिवलिंग देख रहे हैं। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भोलेनाथ का शिवलिंग भी है जिसके ठीक सामने घर में सांप निकला था। अभी हम लोग इसको इसके ठीक सामने पैक भी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, आपको क्या लगा, मतलब हमारे पैर पे मारा तो काटा के क्या गया? काटा नहीं है, ये फॉल्स बाइट किया है दोस्तों। अभी जो हमारे शूज पे इसने अटैक किया उस हमें फॉल्स बाइट कर रहा है, ये 80% फॉल्स बाइट करते हैं, ठीक है? मैं हकीकत बता रहा हूँ, तो ऐसा मत करिएगा कि आप लोग ट्राई करने लगिएगा। फिर मंत्र, कौन मंत्र बोला? बिना मंत्र का पकड़ते हैं। अच्छा, बिना मंत्र का। मंत्र होता है नहीं सांपों को पकड़ने के लिए, मतलब सांपों को पकड़ने के लिए कोई मंत्र नहीं होता, बाकी मंत्र तो होता है लेकिन सांपों को पकड़ने के लिए कोई मंत्र नहीं। पूछिया जरत है, पूछ झाड़ी नहीं है, देख लीजिए आप, इनकी इनका भी डाउट करियो, क्लियर करिए। देखिए दबा हुआ है, किसी चीज से इसको चोट लग गया था, देख रहे हैं? देखिए टूटा हुआ, इसको चोट लगा हुआ कैसे, इसीलिए टूट गया ये। सुत्ते का टाइम ना मिला था, हमेशा कहीं कहीं बेचारे लोग दौड़ते रहे, टाइम से खा ना आया ना पाओ ना, क्या करे बदे जनते बदे ना। दोस्तों अगर हमारा काम अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया और थोड़ा शेयर भी करिए, थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि इतना दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमें, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, दिए रहिए, बस हम लोग सुखी रहेंगे। जब ले रहा भैया इससे दुनिया में सुखी रहा, बस बस हम लोग को यही चाहिए, ये बाकी और हम लोग को पैसा वैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। चलिए, और अभी हम लोग वन विभाग के साथ इस सांप को रिलीज करने वाले हैं। सामने आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर हैं जिनके साथ हम लोग इस सांप को रिलीज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांप को रिलीज किया जा रहा है और ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर ये अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। आप देख सकते हैं जो सांप है वो आसपास के माहौल को समझने की ट्राई कर रहा है और ये बिल्कुल मेरे पैरों के पास से होते हुए अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है। ऐसे में हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसे इसके अनुकूलित वातावरण में जाने देंगे। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।